दोस्तों ये है Realme की तरफ से आने वाला Realme F3 Super Zoom का बॉक्स। बॉक्स के बैक साइड में मेंशन है कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशंस लाइक स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा विद 60x सुपर जूम एंड 32+8 मेगापिक्सल ड्यूअल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। ये वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में। लेट्स अनबॉक्स इट गाइस। फर्स्ट सेक्शन में है दोस्तों ट्रांसपेरेंट बैक केस विद कैमरा कटआउट और साथ में ही है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा सिम इजेक्टर टूल और इसके साथ में है टाइप ए टू टाइप सी USB केबल और ये है Realme X3 सुपर डार्क चार्जर। दोस्तों इस चार्जर का नाम Realme ने दिया है सुपर डार्क। ये आता है 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन के बारे में और कर लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। चलिए दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन को रिमूव और आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट लुक। दोस्तों ये है फर्स्ट लुक Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन का और इसकी डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले में आपको प्री इंस्टॉल स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी नीचे की साइड की। तो यहाँ आपको मिलता है ड्यूअल नैनो सिम ट्रे, माइक, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। दोस्तों इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी साउंड्स आती हैं। राइट साइड पर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसी में ही आपको पावर बटन मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है वॉल्यूम रॉकर की। दोस्तों मैं बता दूं इसका वेट है 202 ग्राम। और दोस्तों ये स्मार्टफोन है ग्लेशियर ब्लू कलर में। इस पर लाइट के रिफ्लेक्शन आने से बहुत ही कूल डिज़ाइन लगता है इसके बैक का। दोस्तों अलग अलग रिफ्लेक्शंस की वजह से इसका डिज़ाइन चेंज होता रहता है जो अपने आप में बहुत ही स्टनिंग लगता है। चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं इसके 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप की तरफ। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं इसके प्राइमरी कैमरा की। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद f1.8 अपर्चर वाइड एंगल कैमरा विद सैमसंग GW1 सेंसर। इसमें आपको 6P लेंस मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा की तो ये आता है 8 मेगापिक्सल का पेरीस्कोप लेंस। Realme में पहली बार पेरीस्कोप लेंस लॉन्च किया है वो भी Realme X3 सुपर जूम एडिशन में। दोस्तों ये आता है 3.4 अपर्चर के साथ और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है। साथ ही इसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम एंड 60x डिजिटल जूम भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें इसके थर्ड कैमरा की तो ये है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस विद f2.3 अपर्चर। इसमें है 5P लेंस। दोस्तों बात करते हैं इसके लास्ट कैमरा की, ये है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस विद f2.4 अपर्चर। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं इस फ़ोन को बूट और आपको बताते हैं इसकी डिस्प्ले एंड डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले का साइज़ है 6.6 इंचेस और इसमें आपको मिलेगा 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन ऑफ फुल HD प्लस और इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। दोस्तों बात करें इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो की तो ये है 90.5%। साथ ही इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी फ्रंट एंड बैक बोथ साइड्स में। आपको इसमें प्री इंस्टॉल स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है दोस्तों इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों अब टेस्ट कर लेते हैं इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को और साथ ही इसके फेस अनलॉक को भी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना स्मूथ वर्क करता है इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों अब चेक कर लेते हैं इसका फेस अनलॉक भी और ये भी दोस्तों बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस ये फ़ोन काफ़ी गजब का है और इसका फेस अनलॉक भी इतना ही स्मूथ है जितना इसके बाकी फीचर्स स्मूथली वर्क करते हैं। दोस्तों गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें उसके बाद ही इस वीडियो को शेयर करें और शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें FB पेज या इंस्टा पेज पर सेंड कर सकते हैं। पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट गिवअवे विनर को भी हमने फेसबुक पर ही इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आप भी गिव अवे विनर बनना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर। बात करें इसके CPU की तो ये मिलता है आपको ऑक्टा कोर अप टू 2.96 GHz।
GPU की बात करें तो दोस्तों इसमें मिलता है Adreno 640। ये स्मार्टफोन वर्क करता है Realme UI पर जो बेस्ड है Android 10 के ऊपर। दोस्तों अब चेक करते हैं Realme X3 Super Zoom का AnTuTu स्कोर, और दोस्तों इस स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर है 5,05,361। AnTuTu स्कोर से स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो दोस्तों Realme के इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस रियल में बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों Realme X3 Super Zoom के 12GB RAM 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट का यूरोप में प्राइस है 499 यूरोज, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो निकलता है 42,900 रुपीज़। बट इंडिया में इसका प्राइस थोड़ा कम ही रहता है, हमारे अकॉर्डिंग इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 35,000 रुपीज़ के अराउंड। दोस्तों 25 जून को ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और ये फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल पर जाएगा 25 जून, दैट मीन्स इसी मंथ 3-4 दिन के बाद में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक प्रतीक को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली अपकमिंग स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों इस स्मार्टफोन में ड्यूअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास हैं, 32 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन विद सोनी IMX616 का मेन सेंसर है, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। दोस्तों मेरा ओपिनियन है अगर ये स्मार्टफोन 35,000 रुपये के अराउंड आता है, और अगर आप सिर्फ कैमरा पर्पज से स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तभी इस स्मार्टफोन को परचेज करें, अदरवाइज इससे अच्छे स्मार्टफोन काफ़ी कम प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी है Realme X3 Super Zoom स्मार्टफोन से। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।